राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने भवारना में राष्ट्रीय मीडिया सचिव राजेंद्र सबदेसी की अध्यक्षता में पेंशन बहाली के लिए एक रोज सभा का आयोजन किया, जिसमें रिटायर हेडमास्टर प्रकाश चंद कटोच व रिटायर पीएनबी मैनेजर कुलदीप राज डोगरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रेस बयान में राष्ट्रीय मीडिया सचिव राजेंद्र सबदेसी, प्रदेश संयोजक प्रवीण कुमार, प्रदेश महिला विंग संयोजक रीता डोगरा ने कहा कि वर्तमान सरकार हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी रही है और संयुक्त मोर्चा सरकार की कार्यप्रणाली पर विश्वास रखता है, परंतु लंबे समय से संघर्षरत एनपीएस कर्मचारियों के बारे में ना सोचना एक दुखदायी स्थिति है। सरकार से यही मांग है कि एनपीएस प्रणाली को बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को कर्मचारी हित में दोबारा लागू किया जाए। वायदे के अनुसार हिमाचल में एनपीएस कर्मचारियों के लिए जल्द कमेटी का गठन किया जाए। मोर्चा के अधिकारियों ने कहा कि एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन सुविधा इतनी कम है कि जिसमें एक रसोई गैस का सिलेंडर भी नहीं आ सकता। सरकार ने अंशदायी योजना के तहत जो अपना शेयर 10% से बढ़ाकर 14% किया है, उसका फायदा कर्मचारियों को ना के बराबर है, क्योंकि ये पैसा कर्मचारियों को कभी भी नहीं मिलता है और प्राइवेट कंपनियां जहां इन पैसों से फल फूल रही हैं, वहीं एक रिटायर कर्मचारी नामात्र पेंशन के सहारे बुढ़ापे में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रदेश सरकार ने एनपीएस की खामियों को परखने के लिए एक कमेटी बनाने का वायदा किया था, जिसे 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी भी पूरा नहीं किया गया है, जिस कारण ही एनपीएस कर्मचारी रोष में है, क्योंकि उन्हें कल्याणकारी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। आज हम वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बभारना में इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर पुरानी पेंशन को समाप्त करके न्यू पेंशन प्रणाली शुरू कर दी है। उसके परिणाम अब 16-17 वर्षों के सामने जनता के सामने आ रहे हैं। वो जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको 565 से लेकर 2100 या 2500 के करीब पेंशन मिल रही है, तो उनसे उनका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। तो हम सरकार से गुहार करना चाहते हैं कि जैसे आप तीन पेंशन ले रहे हैं, आपके एमएलसी की, विधायक की और एमपी की, तो हम चाहते हैं कि आप तो कुछ समय के लिए आते हैं, एक 5 साल के लिए, और हम 20-25 साल नौकरी कर रहे हैं फिर भी हमारा बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। तो हम सरकार से, हिमाचल सरकार से और प्रदेश सरकार से गुहार करना चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश, आज हम यहां पर एकजुट हुए हैं क्योंकि 2004 के बाद हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद पुरानी पेंशन को व्यवस्था को बंद कर दिया गया था और उसके स्थान पर नई पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी, जिसके कि जो कि कर्मचारियों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसके तहत जो पैसा कट रहा है, जो सरकार की तरफ से 14% पैसा दिया जा रहा है कर्मचारियों के नाम पर, वो सीधा प्राइवेट कंपनियों को जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को इस 14% का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि देखा जाए तो पूरे देश में एक महीने में लगभग 40 अरब रुपया जो है वो सरकारी खजाने से कर्मचारियों के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को जा रहा है। तो 40 अरब का मतलब अगर उसको आप एक साल से गुना करें तो कितना पैसा बनता है, अगर इस पैसे को सरकार अपने पास रखे, क्योंकि पेंशन तो एक मुश्त जो रिटायर होता है कर्मचारी तब चाहिए होती है, तो इस दौरान जो ये पैसा दिया जा रहा है ना ये कर्मचारी के काम आ रहा है, ना सरकार के काम आ रहा है, ना देश के काम आ रहा है, और जिस पैसे का यूज प्रयोग जो है देश को विकसित करने में किया जाना चाहिए और बेरोजगारी को ख़त्म करने की किया जाना चाहिए, वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, जिससे ऐसा हो रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो फल फूल रही हैं, परंतु कर्मचारी जो है वो असुरक्षित हैं, वो बुढ़ापे में 1800 रुपये की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अब 1800 रुपये की पेंशन में एक गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सिलेंडर, गैस का सिलेंडर भी जो है वो 800-900 रुपये का आता है। तो इसलिए सरकार से ये दरख्वास्त है, हिमाचल सरकार से व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही गुहार है कि कर्मचारियों को एनपीएस जो रूपी जो एक नासूर है, इससे छुटकारा दिलाया जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए, ताकि
देश का विकास हो और कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सके। धन्यवाद। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिन्हास की रिपोर्ट।